Hello students, this is the chemistry class, second year. Today we start a new topic of the chapter B block elements, that is oxygen family. इससे पहले के क्लास में हमने तुम लोगों को पी ब्लॉक में ही 15 ग्रुप एलिमेंट्स के बारे में बताया, 15 ग्रुप एलिमेंट्स के जनरल कैरेक्टर्स, उसके बाद उसके मेंबर्स, नाइट्रोजन और फास्फोरस की जनरल केमिस्ट्री, और उसके अलावा उसके कंपाउंड जैसे कि अमोनिया और नाइट्रिक एसिड और ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, कंपाउंड्स ऑफ फास्फोरस, इनके बारे में हम पिछले क्लास में डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं. आज के क्लास में हम ग्रुप 16 एलिमेंट, पी ब्लॉक में ग्रुप 16 एलिमेंट के जनरल कैरेक्टर्स और अबाउट ऑक्सीजन हम डिस्कस करेंगे. इन पी ब्लॉक ग्रुप 16 इज नोन एज ऑक्सीजन फैमिली, क्योंकि इसका फर्स्ट मेंबर जो है वो ऑक्सीजन है. फर्स्ट मेंबर ऑफ द 16 ग्रुप इज ऑक्सीजन, सो इट इज नोन एज ऑक्सीजन फैमिली. तो आज हम ऑक्सीजन फैमिली या 16 ग्रुप एलिमेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे. ग्रुप 16 जो कि मेंडलीव की जो मॉडर्न पीरियडिक टेबल थी उसमें ग्रुप 6A था. ऑफ लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियडिक टेबल कंटेन्स ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलोरियम एंड पोलोनियम एलिमेंट्स, कलेक्टिवली दे कंस्टिट्यूट ऑक्सीजन फैमिली एक्सेप्ट पोलोनियम. अदर एलिमेंट्स आर कार्ब, कैल्को, जेंस आल्सो, बिकॉज मेटल्स आर जनरली फॉर्म्ड इन द फॉर्म ऑफ देयर कंपाउंड्स, दैट इज मेटालिक ओर्स, जनरली ऑक्साइड्स एंड सल्फाइड्स ऑफ मेटल. ऑक्सीजन इज द मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट ऑन अर्थ, वाइल सिलिकॉन इज सेकेंड मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट प्रेजेंट इन द अर्थ. नाउ पोजिशन इन पीरियडिक टेबल, सबसे इम्पोर्टेंट चीज यही है क्योंकि हम पीरियडिक टेबल के आधार पर ही ये स्टडी कर रहे हैं. 16 ग्रुप मेंबर है ये. ऑल द मेंबर्स ऑफ दिस ग्रुप्स हैव जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NH2 NP4, इसकी p ऑर्बिटल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं. सो दे आर p ब्लॉक एलिमेंट्स बिकॉज इन ऑल ऑफ देम डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन्स इंटर्स इन p सबशेल. ड्यू टू सिमिलर कॉन्फ़िगरेशन दे ऑल आर प्लेस्ड इन 16 ग्रुप. तो ये तुम्हारा पीरियडिक टेबल में ये पीरियड्स हैं 1 2 3 4 5, और ये क्या है तुम्हारे ग्रुप हैं. तो फोर्थ ए में क्या है, कार्बन, यानी 14 ग्रुप. 16 ग्रुप में है ऑक्सीजन और 17 ग्रुप में है हैलोजन्स हैं इसमें. 14 ग्रुप और बीच का 15 ग्रुप का इसकी स्टडी पिछले क्लास में कर चुके हो. उसमें फर्स्ट मेंबर नाइट्रोजन था, दूसरा फास्फोरस. यहाँ पे ये ऑक्सीजन फैमिली के मेंबर हैं, पहला ऑक्सीजन, दूसरा सल्फर, सेलेनियम, टेलेनियम, पोलोनियम एंड एक अननोन एलिमेंट है जो कि सिंथेसिस जिसकी की गई है लास्ट में. नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑक्सीजन फैमिली. फर्स्ट पॉइंट इज ऑकरेंस. ऑक्सीजन इज मोस्ट एबंडेंट बाई मास एलिमेंट ऑन अर्थ एंड इट्स डिस्ट्रीब्यूशन इज एज गिवन बिलो. 20% इन एयर, 89% इन ओसीन एंड 46.6% इन अर्थ क्रस्ट एज मिनरल्स लाइक सिलिकेट्स, नाइट्रेट ऑक्साइड एटसेट्रा. ऑलमोस्ट होल एटमोस्फेरिक ऑक्सीजन हैज बीन फॉर्म्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, बायोलॉजी के लोग जानते हैं,
वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड के बीच रिएक्शन से कार्बोहाइड्रेट बनता है और ऑक्सीजन लिब्रेट होती है. रिलेटिवली सल्फर इज लेस एबंडेंट एंड इट फाउंड इन बोथ फ्री एंड कंबाइंड स्टेट. कंबाइंड स्टेट में सल्फाइड और ऑफ कॉपर HG, Ag एक्सेट्रा. सेलेनियम टेलुरियम एंड पोलोनियम आर रेयर एलिमेंट व्हाइल पोलोनियम इज रेडियो एक्टिव. ऑक्सीजन ऑकर्स इन द एटमॉस्फेयर टू द एक्सटेंट ऑफ अबाउट 21% बाय मास. दिस परसेंटेज रिमेन्स कॉन्स्टेंट बाय द ऑपरेशन ऑफ ए हाईली कॉम्प्लेक्स प्रोसेस टर्म फोटोसिंथेसिस. It is an essential ingredient in all living matter and is of great importance in respiration and combustion. It is the most abundant element and forms about 46% by mass of earth crust. Oxygen is the major constituent of silicates mineral. It occurs as many metal oxide ores and as deposit of oxy salts such as कार्बोनेट सल्फेट नाइट्रेट फॉस्फेट बोरेट एक्सेट्रा. ओसीन ओवर 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस एंड ऑक्सीजन मेक्स अप 89% बाय मास ऑफ वाटर इन द ओसीन. ओजोन एग्जिस्ट इन द अपर एटमॉस्फेयर एंड प्रोटेक्ट अवर एनवायरमेंट फ्रॉम अल्ट्रावायलेट रेज ऑफ द सन. Now sulfur is the 16th most abundant element and constituent 0.034% by mass of the earth crust. It is widely distributed in nature both in free and combined state. The free sulfur is found in the volcanic regions of Siliciti, Iceland, Japan, Mexico and Louisiana and Texas state of USA. American and Siliciti deposit are two main sources of world supply of sulfur. In small quantities, it occurs in New Zealand, Russia, Pakistan, and India. Sulfur occurs in abundance in combined states. Sulfide as a sulfide ore, zinc blends, ZnS, sari cheeze particular metallurgy mein, galena, PbS, cinnabar, HgS, copper pyrite, के फॉर्म में CuFeS2 एंड आयरन पाइराइट FeS2. एज ए सल्फेट और जिप्सम कैल्शियम सल्फेट 0.2H2 फॉर्मूला इसका. बैरेट्स इन बेरियम सल्फेट, इप्सम मैग्नीशियम सल्फेट, हाइड्रेटेड मैग्नीशियम सल्फेट एंड कैलेसाइट दैट इज SrSO4 स्ट्रॉन्शियम सल्फेट. H2S एंड SO2 यानी हाइड्रोजन सल्फाइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड इन वॉल्केनिक गैसेस. H2S इज स्प्रिंग वाटर, कोल गैस, सीवेज गैस एक्सेट्रा दोनों किसमें मिलती हैं. ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑफ प्लांट एंड एलिमेंट्स ओरिजिन दैट इज ओनियन गार्लिक मस्टर्ड एग्स प्रोटीन्स हेयर वूल एक्सेट्रा कंटेन ऑर्गेनिक सल्फर कंपाउंड. द अदर एलिमेंट्स सेलेनियम टेलोरियम एंड पोलोनियम आर वेरी स्केर्स. The following chart shows the abundance in the earth crust by mass along this relative abundance. यहाँ पे क्या है element earth में कितने ppm में present है ये the relative abundance. Sulfur oxygen सबसे ज्यादा है 4.55 × 10⁵ ppm. Relative abundance कितनी है 1. Sulfur 3 40 and this 16, selenium 0.05, abundance 68, tellurium 0.0017, 74 and traces, polonium के traces मिलते हैं. अब है electronic configuration of 16 group elements. The general electronic configuration of all the elements of this group is NS2 NP4. Thus they are p block elements because differentiating electrons enter p subshell of their valence shell. Oxygen का इस तरह से होता है short में जब हम लिखेंगे तो 1s2 होता है जो कि helium का है और 2s2 2p4
तो जहाँ पे जितना कॉन्फिगरेशन कंप्लीट किसी इनर्ट गैस के बराबर होता है उसकी जगह हम उसको लिख देते हैं। तो यहाँ एन ई का मतलब 1s1 2s2 2p6 इस पूरे का हुआ, उसके बाद का कॉन्फिगरेशन यहाँ लिखा है 3s2 3p4। इसी तरह सेलेनियम का है, आर्गन के बाद का, उसके बाद का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है ये सामने है, फिर टेलुरियम। तो ये शॉर्ट में लिखने का तरीका होता है, और डिटेल में भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन यहाँ पे है। जैसे ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8 है, 2s6 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, और एज ए SPDF में 1s2 2s2 2p4 इस तरह से लिखेंगे, तो यहाँ शॉर्ट फॉर्म में ये दिया हुआ है। फिर है सल्फर 286, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4। सेलेनियम 34 है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 2818 2818 तक यहाँ तक आया, फिर लास्ट में क्या है 4s2 4p6। तो यहाँ आर्गन यहाँ 3d10 तक आर्गन के बराबर है, तो यहाँ आर्गन लिख दिया, उसके बाद ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आ गएगा। टेल्यूरियम 52 एटॉमिक नंबर, इसका यहाँ d10 तक किसके बराबर है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, क्रिप्टॉन के, यहाँ क्रिप्टॉन लिख दिया, बाकी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है 5s2 5p6, यानी लास्ट के शेल में क्या आ रहा है ns2 np4। इसी तरह पोलोनियम का है, d10 तक ये Xe के बराबर है, जीनोन के बराबर, उसके बाद का कॉन्फिगरेशन है 6s2 6p4, उसके बाद का कंप्लीट कॉन्फिगरेशन यहाँ पे इस तरह से ये दिया हुआ है। नहीं तो मैं ये जो लास्ट की शेल है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है 5s2 5p4 इन टेलोरियम, इसी तरह पोलोनियम में भी, इसी तरह जो लास्ट एलिमेंट है उसमें भी। तो लास्ट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, जहाँ तक ये इनर्ट गैसेस के बराबर है वहाँ लिख दिया गया है, और उसके बाद का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ से इस तरह से लिखा गया है। और ये कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है सारे एलिमेंट्स का, लास्ट में क्या रहा है NH2 NP4। ऑल अबव एलिमेंट्स हैव सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटर मोस्ट शेल विच इज नोन एज वैलेंसी शेल, दे हैव द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन NH2 NP4। इन 3p ऑर्बिटल्स 4 इलेक्ट्रॉन्स आर अरेंज एज px2 py1 एंड pz1। यानी कि जो 4 इलेक्ट्रॉन है पी में, तो पहली जो ऑर्बिटल है पी उसमें 2 इलेक्ट्रॉन, बाकी के दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन। दस 1p ऑर्बिटल इज पेयर्ड एंड 2p ऑर्बिटल्स आर हाफ फिल्ड। द पेनल्टी मेड शेल कंटेन्स 2 इलेक्ट्रॉन इन ऑक्सीजन, 8 इलेक्ट्रॉन्स इन सल्फर एंड 8 इलेक्ट्रॉन इन ईच इन सेलेनियम। यानी पेनल्टी मेट मीन्स आउटर मोस्ट शेल से अंदर वाली जो शेल होती है वो कहलाती है पेनल्टी मेट शेल। नाउ टी एंड पी ओ, दिस एक्सप्लेन्स व्हाई ऑक्सीजन डिफर्स फ्रॉम सल्फर एंड दीज टू फ्रॉम द रिमेनिंग एलिमेंट्स। अब कुछ जनरल प्रॉपर्टीज हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स की, एटॉमिक, पहले है एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई। द एटॉमिक रेडियाई ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 16 आर स्मॉलर देन दोज ऑफ द करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 15। द एटॉमिक रेडियाई ऑफ द एलिमेंट ऑफ दिस ग्रुप इंक्रीज ग्रेजुअली ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप। जैसे जैसे हम ऑक्सीजन सल्फर, तो एटॉमिक रेडियाई क्या है यहाँ पे बढ़ रही है। द स्मॉलर एटॉमिक रेडियाई ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट एज कंपेयर्ड विद करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ ग्रुप 15 आर ड्यू टू द इंक्रीज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज विद इन इंक्रीज इन ग्रेटर अट्रैक्शन टुवर्ड्स न्यूक्लियस। दिस अट्रैक्शन ब्रिंग्स अट्रैक्शन कॉन्ट्रैक्शन इन साइज, अट्रैक्शन ब्रिंग्स कॉन्ट्रैक्शन इन साइज। The gradual increase on moving down the group is due to the increase in the number of electron shells from member to member. जैसे जैसे नीचे जाते हैं number of electrons बढ़ते जाते हैं, जिससे न्यूक्लियस और
आउटर मोस्ट शेल के बीच अट्रैक्शन बढ़ता है, जिससे कि क्या होता है, कॉन्स्ट्रैक्शन होता है, यानी साइज छोटी होती चली जाती है, साइज बढ़ती जाती है। साइज डाउन द ग्रुप बढ़ती जाती है, जबकि ये पीरियड में ऐसा होता है कि जैसे जैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक ही शेल में बढ़ते जाते हैं तो साइज घटती है, लेकिन ग्रुप में क्या होता है कि नंबर ऑफ शेल बढ़ते जाते हैं, जिससे जो अट्रैक्शन होता है आउटर मोस्ट शेल और न्यूक्लियर के बीच वो कम होता जाता है, जिससे कि अट्रैक्शन ब्रिंग्स कंट्रैक्शन इन साइज। द ग्रेजुअल इंक्रीज ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप इज ड्यू टू द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेल फ्रॉम मेंबर टू मेंबर। यस, लाइक एटॉमिक रेडियाई द ऑनिक रेडियाई आल्सो इंक्रीज ग्रेजुअली ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप। नाउ आयनाइजेशन एनर्जी और आयनाइजेशन एंथैल्पी। The ionization energies of the elements of group 16 are high and thus the element do not lose electrons to form positive ion easily. That is, the elements are predominantly non-metallic in nature. However, the ionization energy decreases down the group as atomic radii increase. Due to this metallic nature increases, that is the ability to form positive ion increase gradually. Element first ionization energy ज्यादा होती है ऑक्सीजन की, उसके बाद इन सब की कम होती जाती है। The ionization energy of first three elements of group 16 are less than the corresponding elements of the 15, in spite of the fact that nuclear charge increases. इस तरह से O की O से ज्यादा होगी N की, S की ज्यादा है P से, और A C S E की ज्यादा है A S से। This abnormal behavior is due to symmetrical and more stable electronic configuration of nitrogen, phosphorus and arsenic as compared to O, S and Se respectively. Nitrogen ka electronic configuration hai 1s2, 2p, x1, 2p, y1, 2p, z1 symmetrical, मोर स्टेबल, जबकि ऑक्सीजन का क्या है, लेस सिमेट्रिकल, 1s2, 2p2 है यहाँ पे, फिर a11 इलेक्ट्रॉन है, तो ये लेस सिमेट्रिकल एंड लेस स्टेबल। हाउएवर द सेकेंड आयनाइजेशन वैल्यू ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट्स आर हायर देन दोज ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट्स एट द सेकेंड इलेक्ट्रॉन इज टू बी रिमूव्ड फ्रॉम एग्जैक्टली हाफ फिल्ड कॉन्फिगुरेशन विच इज मोर स्टेबल। द सेकेंड आयनाइजेशन पोटेंशियल देखो इस तरह से कम हो जाती है डाउन द ग्रुप। द सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यू डिक्रीज डाउन द ग्रुप। इलेक्ट्रॉन ऑफ अनदर पॉइंट इज इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। द इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिक्रीज ग्रेजुअली फ्रॉम ऑक्सीजन टू पोलोनियम। ऑक्सीजन इज द सेकेंड मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट आफ्टर फ्लोरीन। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डाउन द ग्रुप क्या होता है, ये कम होती जा रही है, डिक्रीज हो रही है। दिस डिक्रीज इंडिकेट ए चेंज फ्रॉम नॉन मेटालिक टू मेटालिक नेचर। द डिक्रीज इन इलेक्ट्रोनिगेटिविटी फ्रॉम ऑक्सीजन टू पोलोनियम इज ड्यू टू इंक्रीज इन एटॉमिक साइज। तो डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज बढ़ती है, क्योंकि जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो नंबर ऑफ शेल बढ़ता जाता है, जिससे क्या होता है कि एटॉमिक रेडियाई डाउन द ग्रुप बढ़ती जाती है, यानी अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कम होता जाता है, जिससे कि साइज बढ़ जाती है। नाउ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 16 हैव हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू विच डिक्रीज फ्रॉम सल्फर टू पोलोनियम। ऑक्सीजन इज हाउएवर लोअर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी देन सल्फर। यहाँ पे थोड़ा सा ये है कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सल्फर के मुकाबले में
कम होती है, लेकिन उसके बाद जो है ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में आ जाती है. द लो वैल्यू ऑफ ऑक्सीजन इज ऑन अकाउंट ऑफ स्मॉल साइज ऑफ ऑक्सीजन एटम, दैट इज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज हाई विद इन ए स्मॉल रीजन ऑफ स्पेस विच रेसिस्ट द एडिशन ऑफ ए न्यू इलेक्ट्रॉन. On moving down the group, the atomic size increase and the distance of valence shell from the nucleus increases. Therefore, the additional electron which is added experiences less attraction and hence electron affinity decrease. Now, elemental state or physical state. Oxygen is a gas while others are solid. Oxygen molecule is diatomic while the molecule of other elements are more complex. Sulfur, selenium and tellurium exist as staggered 8-atom rings. However, the tendency to exist in 8-atom rings is maximum with sulfur and decrease as we go down the group. In S8 molecules, every sulfur atom is in sp3 hybridized state involving both bonding and non-bonding pair of electron. तो इस तरह से सल्फर के एटम आपस में जुड़ करके ये एक मॉलिक्यूल बनाते हैं. S8 मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है इसका, और हर सल्फर एटम sp3 हाइब्रिडाइज होता है. The oxygen atom has a tendency to form multiple bond, that is p-pi interaction with the other oxygen atom on account of small size and high electronegativity. Oxygen का देख चुके हो, O double bond O होता है, are formed. The molecules are held together by weak van der Waal forces of attraction. Hence, oxygen exists as a gas at room temperature. तो ये जो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल हैं, ये आपस में वीक वान डर वाल फोर्सेस से जुड़े होते हैं, जिससे कि ये एज ए गैस एग्जिस्ट करते हैं रूम टेम्परेचर पर. However, the rest of the elements do not form p-pi multiple bonds due to their large size and thus do not exist as diatomic molecules. They prefer to form single bonds and possess complex structure. Octaatomic molecule having puckered 8-membered crown shaped ring. Now, multiple bonding. Sulfur and higher members of group 16 possess back end d orbital in their valence shell. They use these orbital to form d pi and p pi bond, multiple bonds. However, sulfur forms a stronger d pi p pi bond than the higher member, or the tendency to form d pi p pi bond decrease from sulfur onwards. Now catenation कार्बन जो एटम्स के बार बार जोड़ करके एक चेन बनाने की प्रॉपर्टी, वो कैटिनेशन कहलाती है. ऑक्सीजन एंड सल्फर शो द प्रॉपर्टी ऑफ कैटिनेशन. द प्रॉपर्टी इज मोर प्रोनाउंस्ड इन सल्फर. SS बॉन्ड इज मच स्ट्रॉन्गर देन OO बॉन्ड. This is due to the fact that on account of small size of oxygen atom, the lone pair of electrons on the oxygen atom repel the bond pair of OO bond to greater extent than the lone pair of electrons on sulfur atom in SS bond. The examples of catenation are इस तरह से H2O2, चार एटम इसमें, एक हाइड्रोजन, दो ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन जोड़ सकते हैं H2S2 में इस तरह से, H2S3 इस तरह से, ये तीन सल्फर एटम यहाँ जोड़ रहे हैं आपस में. इसी तरह H2SO4 में इस कैटिनेशन होता है. बिसाइड पॉलीसल्फाइड्स, पॉलीसल्फ्यूरिक एसिड एंड वेरियस एलोट्रॉपिक फॉर्म्स कंटेनिंग डिफरेंट साइज SN रिंग्स एंड चेन्स आर आल्सो मोर. The SS bond is also present in a number of compounds of biological importance such as proteins and enzymes.
The tendency of catenation decreases markedly as we move down the group due to decrease in strength of MM bond. Now, melting and boiling points. The melting and boiling point increase gradually from oxygen to polonium. इस तरह से melting point यहाँ oxygen, sulfur, उसके बाद सेलेनियम टेलोरियम तक ये मेल्टिंग पॉइंट बढ़ रहा है लेकिन पोलोनियम का घट जाता है. उसके बाद बॉइलिंग पॉइंट में इंक्रीज हो रहा है लगातार या लेकिन यहाँ पोलोनियम का कम हो जाता है. ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप द मॉलिकुलर साइज इंक्रीजेस एज ए रिजल्ट द वंडर वाल फोर्सेस इंक्रीजेस एंड देयरफॉर द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज ग्रेजुअली. Now allotropy. This is the important topic, important property of this group. Sulfur इस तरह की जो allotropy है ये ज़्यादा show करता है. All the elements of this group show allotropy. Oxygen, dioxygen and ozone two form में बनती है. Sulfur rhombic, monoclinic, plastic and amorphous form में. सेलेनियम रेड फॉर्म एंड ग्रे फॉर्म. रेड फॉर्म नॉन मेटालिक और जो ग्रे फॉर्म है ये मेटालिक होता है. उसके अलावा ये एमॉर्फस ब्लैक फॉर्म में भी मिलती है. टेलोरियम क्रिस्टलाइन फॉर्म एंड एमॉर्फस फॉर्म. पोलोनियम अल्फा एंड बीटा. अब हम आ जाते हैं केमिस्ट्री ऑफ 16 ग्रुप केमिकल प्रॉपर्टीज. फर्स्ट oxidation state. As the configuration of outermost shell is NH2 NP4, these elements try to gain or share two electron in order to attain inner gas configuration. Oxygen being highly electronegative shows -2 oxidation state in its compound, except in oxygen fluorides and most of the metal oxides are ionic and contain oxygen as di negative O2 minus. In a few compound the oxidation state of oxygen is not -2. For example F2O the oxidation state of oxygen is +2 while in H2O2 that is peroxide it is -1. Since the electronegativity decreases, the tendency to exhibit -2 oxidation state decrease as we go down the group. However, positive oxidation state are exhibited by sulfur, selenium, tellurium and polonium. In addition to +2 oxidation state, +4 and +6 oxidation state are observed. This is due to the availability of d orbitals in these elements. Oxygen has no d orbitals and hence cannot show +4 and +6 oxidation state, while the sulfur can have 2, 4, 6 unpaired orbitals forming 2, 4, or 6 covalent bond. S एटम इन ग्राउंड स्टेट इसमें क्या होता है 3s लास्ट में 3s2 3p4 एंड 3d0 3d ऑर्बिटल होती है जो कि तीसरी और जो इसका शेल है तीसरे शेल में d सब शेल होता है. तो एक्साइटेड स्टेट में जब इसका इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ हो जाता है तब ये इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाता है 4. और जब ये इसके भी इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ आ जाता है तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाती है +6. तो पहली पोजीशन जो ग्राउंड स्टेट है उसमें +2. एक्साइटेड स्टेट दो है, एक में +4 ऑक्सीडेशन स्टेट होगा सल्फर का और एक में +6. तो ये कुछ जनरल प्रॉपर्टीज पूरे ग्रुप के एलिमेंट्स के बारे में थी. अब इसके फर्स्ट मेंबर ऑक्सीजन के बारे में हम डिस्कस करेंगे. इसको हम डाई ऑक्सीजन भी कहते हैं क्योंकि एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन के दो एटम जुड़े होते हैं डबल बॉन्ड से. ऑक्सीजन बिलोंग्स टू सेकेंड पीरियड ऑफ द पीरियडिक टेबल एंड फोर्थ मेंबर ऑफ द पी ब्लॉक सीरीज. इट्स नाइबर्स इन पीरियडिक टेबल आर नाइट्रोजन फ्लोरीन एंड सल्फर. इस तरह से
नाइबर कौन कौन है, नाइट्रोजन 15 ग्रुप में और फ्लोरीन 17 ग्रुप में, बीच में ऑक्सीजन है और उसके साथ में क्या है अगला मेंबर, सल्फर। लाइक हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन ऑक्सीजन एग्जिस्ट इन एलिमेंटल फॉर्म एज डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल एंड इज देयरफॉर रेफर्ड एज टू एज डाई ऑक्सीजन। क्रिस्टले शीले ऑब्टेन ऑक्सीजन विद इन फ्यू मंथ ऑफ ईच अदर बाय हीटिंग सुटेबल ऑक्सीजन कंपाउंड। शीले प्रिपेयर्ड इट बाय हीटिंग मर्क्यूरिक ऑक्साइड इन 1772 एंड कॉल्ड इट वाइटल एयर और फायर एयर। लेवोसियर रिगार्डेड इट एज एन एसेंशियल कंस्टिट्यूएंट ऑफ ऑल एसिड एंड नेम्ड इट ऑक्सीजन। डाई ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इज हाईली स्टेबल, द टू एटम्स आर हेल्ड बाई वन सिग्मा एंड वन पाई बॉन्ड स्ट्रक्चर। ऑलरेडी पढ़ चुके हो तुम लोग। द बॉन्ड्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग एज द बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इज क्वाइट हाई। डाई ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इज पैरामैग्नेटिक इन गैसियस लिक्विड एंड सॉलिड स्टेट। इट्स एलोटॉपिक फॉर्म इज ओजोन। It is essential for respiration for both animals and plants. Dioxygen is carried by hemoglobin of the blood to various tissues of the body where it is used in slow oxidation of biomolecules. The usual laboratory method consists in heating of mixture of potassium chlorate and manganese dioxide. लेबोरेटरी में किस तरह से बनाया जाता है, पोटेशियम क्लोरेट को गर्म करके ऑक्सीजन बनाते हैं। किस तरह से, हीटिंग ऑफ ए मिक्सचर ऑफ पोटेशियम क्लोरेट एंड मैग्नीज डाइऑक्साइड इन द रेशियो ऑफ 4:1। KClO3 इवॉल्व्स ऑक्सीजन एट 650 केल्विन। At this temperature, it melts and converted into potassium perchlorate, which decomposes at higher temperature to evolve oxygen. When manganese oxide is added, it starts giving oxygen at 523. Here, manganese dioxide acts as a catalyst. KLCl3 को हीट करते हैं तो ये के पोटेशियम पर क्लोरेट बनता है और KCl फिर ये और हीट होने पे देता है KCl और ऑक्सीजन लिबरेट होती है। मैग्नीज डाइऑक्साइड यूज फॉर दिस पर्पस शुड बी कम्प्लीटली फ्री फ्रॉम कार्बन एज KClO3 एंड कार्बन मिक्सचर इज एक्सप्लोसिव इन नेचर। द मिक्सचर शुड बी फर्स्ट हीटेड जेंटली एंड देन स्ट्रॉन्गली व्हेन इट इज ensure that there is no vigorous reaction. Now manufacture of oxygen. Oxygen is obtained on commercial scale by the following method. First is from liquid air. Oxygen is obtained by the fractional distillation of liquid air. Liquid air is a mixture of mostly liquid dinitrogen and liquid dioxygen and the difference in their boiling point is about 12.8 Kelvin. दोनों जो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस 12.5 होता है, तो इसका हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कर सकते हैं। द टू आर दस इजिली सेपरेटेड बाई फ्रैक्शनल इवोपरेशन। When dinitrogen being more volatile escape first, तो dinitrogen पहले बाहर आ जाएगी fractional evaporation करने पे और बाद में हम temperature बढ़ा करके oxygen प्राप्त कर लेंगे। Air is liquefied by making use of Joule-Thomson effect. When air under pressure is allowed to expand suddenly through a small orifice, its temperature falls. Air free from CO2 is compressed to 200 atmospheric pressure and cooled by passing through a pipe surrounded by cooled water. This compressed cooled air is now allowed to escape through a small nozzle. When this is cooled by Joule-Thomson effect, this cooled air is further cooled by expansion and cooling is contained till liquid air is obtained. Fractional evaporation is done in cloth apparatus.
उसके बाद सेकंड मेथड है बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर. इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ आइदर एसिडिफाइड वाटर यूजिंग प्लेटिनम इलेक्ट्रोड्स और एल्कलाइन वाटर यूजिंग निकिल इलेक्ट्रोड इज डन इन एन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल फॉर ऑब्टेनिंग ऑक्सीजन एंड डाइहाइड्रोजन. दिस मेथड इज यूज इन दोज कंट्रीज वेयर इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज चीप. नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ ऑक्सीजन. फर्स्ट वी सी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑक्सीजन. ऑक्सीजन डाई ऑक्सीजन इज ए कलरलेस ऑर्डरलेस एंड टेस्टलेस गैस. इट इज नॉट कम्ब्यूस्टेबल बट इज ए सपोर्टर ऑफ कम्ब्यूस्टन. इट इज लिटिल हैवियर देन एयर. इट्स डेंसिटी इज 1.429 ग्राम पर लीटर. इट इज स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर. इट्स सॉल्युबिलिटी इज 30 cm³ पर लीटर ऑफ वाटर एट 298 केल्विन एंड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर. दिस स्मॉल अमाउंट ऑफ डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन इन वाटर सपोर्ट द रेस्पिरेशन ऑफ फिश एंड अदर एक्वेटिक एनिमल्स. इट कैन बी लिक्विफाइड टू ए पेल ब्लू लिक्विड बाई कंप्रेसिंग द गैस एट अ वेरी लो टेम्परेचर. इट इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू ए ब्लू सॉलिड ऑन फर्दर कूलिंग. It is soluble in alkaline solution of pyrogalol. At high temperature, metals like silver, gold, platinum, etc. absorb oxygen and expel it on cooling. Now the important physical properties of atomic and molecular oxygen are here. Atomic properties and molecular properties. Ionization energy of atomic oxygen ki hoti hai 1314 किलो जूल पर मोल. जब और इसका और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 1.41 किलो जूल पर मोल. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटॉमिक रेडियस ये सारी चीज़ें दी हैं. मेल्टिंग पॉइंट ये एटॉमिक प्रॉपर्टीज थी सारी. मॉलिकुलर प्रॉपर्टीज मेल्टिंग पॉइंट 54.5 बॉइलिंग पॉइंट 90.2 डेंसिटी बॉन्ड लेंथ एंड बॉन्ड एनर्जी is here. There are three isotopes of oxygen with MOS 16, 17 and 17 and 18. O is mean isotope with an abundance of 98.8. The others are O17, O18, होता है 0.048% O17 और O18 होता है 0.2%. यानी O16 सबसे ज्यादा होता है. O दूसरा होता है O17 और उसके बाद O18. ऑक्सीजन इज रेडियो एक्टिव. O18 ऑक्सीजन इज रेडियो एक्टिव एंड इज वाइडली यूज इन स्टडाइंग द मैकेनिज्म ऑफ मेनी ऑर्गेनिक रिएक्शन एज ए ट्रेसर एलिमेंट. तो ये अभी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑक्सीजन यहाँ पे पढ़ा तुमने. अगले क्लास में हम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑक्सीजन के बारे में बात करेंगे. तो देखा तुम लोगों ने किस तरह से ऑक्सीजन पे फैमिली में किस तरह से डिक्रीज होता है उनका जो नॉन मेटालिक कैरेक्टर है मेटालिक कैरेक्टर की तरफ और उनकी बहुत सी प्रॉपर्टीज देखी. कल के क्लास में हम आगे ऑक्सीजन के बारे में और ओजोन के बारे में स्टडी करेंगे.